हे गाइस, देखो यहाँ पर एक कंपनी के पास सर काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है सर। क्या इसके दम पे ये कंपनी भविष्य में मतलब स्टेबल रह सकती है? क्योंकि पहले तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है सर थोड़ा अच्छा हो चुका है, थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा हो चुका है। देखिए समझिएगा कितनी मतलब अच्छी खबर है सर, अच्छी खबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 1,12,000 करोड़, 1.12 लाख करोड़ सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत का मतलब इतना बहुत बड़ा अमाउंट है सर, करोड़ का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, इतना प्रोजेक्ट, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट में बोला जाता है PFC, ठीक है। लॉक्ड कंपनी यहाँ देख सकते हो, तो बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो, बैक्ड कंपनी साइन MOU, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी ने साइन किया है सर। किसके लिए साइन किया है? कंपनी रिलेटेड यहाँ बताया जा रहा है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर, बैटरी एनर्जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन। सर एक कंपनी है लेकिन कितने सारे सेक्टर में सर धमाका करने जा रहा है, आप देख लो। आपको सोलर वाले चाहिए सर, ये हैं, विंड वाले चाहिए सर, ये हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले जो आने वाले ज़माने में ज़्यादा चलने वाले हैं सर, हैं, ठीक है। बैटरी वाले चाहिए तो हैं, देख सकते हो सर, बैटरी एनर्जी वाले हो जाएंगे, हाइड्रोजन वाले जो आजकल के डेट में सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है सर, वो भी है यहाँ पर। और ये एक अकेला कंपनी है सर जो लगभग इस तरीके से बड़े लेवल में काम कर रही है सर। सोच लो चारों तरफ से सर, सारे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, सारे के मतलब सारे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। तो मैं आपको बोलूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको खरीदने के लिए, थोड़ी बड़ी कंपनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए सर, क्योंकि आने वाले ज़माने में सर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने वाली है सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बैटरी और हाइड्रोजन, ये तीन चीज़ जो है सर बहुत ज़्यादा चलने वाली है। तो ये और REC कंपनी जो है सर पार्टनरशिप करके, MOU करके ये लोग काम करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें। अभी अगर देखो तो भाई इस कंपनी का वैल्यू देखोगे 1.59, मतलब 1.6, 1,60,000 करोड़ का सर, और ये कंपनी के पास 1.12 लाख करोड़ का तो सर ऑर्डर ही है। ये कंपनी आज के डेट में भी अगर देखोगे तो सर 2.5% तक का तो सर ये कंपनी डिविडेंड देती है। सोचो कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब बहुत ही अच्छी बात है सर। और इस कंपनी का PE भी अगर आप देखोगे तो बहुत सस्ता, अराउंड 7 के बाजू में आपको देखने को मिला सर, है कि नहीं? बस इतना भागने के बावजूद भी 7.6, मतलब 8 ही मान लेते हैं सर चलेगा। मतलब इतना भागने के बावजूद पिछले 5 सालों में सर इसने 500% का रिटर्न निकाल के दे रखा है, और इसके बावजूद भी सर ये आज बहुत मतलब नीचे देखने को मिल रहा है। कंपनी देख लीजिए, बोल रही है कि भाई 4-5 हज़ार करोड़ का तो सर कंपनी डिविडेंड ही दे देगी। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा, देख सकते हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, डिक्लेयर रिकॉर्ड डिविडेंड आपको बताया जा रहा, 4,455 करोड़, फॉर फाइनेंशियल, यहाँ देख सकते हो 23 और 24 के बीच में सर, देख लो इतना पैसा है कंपनी के पास, भाई 4-5 हज़ार करोड़ रुपये तो सर ये कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में ही दे देगी सर। तो ये कंपनी की एबिलिटी पता चलती है कि भाई कितना मजबूत है कंपनी। सालाना ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग सर 27,000, 26,000 या 21,000 करोड़ रुपये कमा रही है सर। 3 साल से इनका इनकम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 21, 26 और 27 सर। सर ये कंपनी 5,000 करोड़ का भी अगर मान लीजिए कि डिविडेंड देती है तो कितना सर, हाँ 1.5, केवल 1.5 महीने की कमाई है सर इनकी, केवल 1.5 या 2 महीने, 1 से 2 महीने की कमाई ये लोग डिविडेंड दे दे रहे हैं सर। पूरे ग्लोबल लेवल में सर ये काम करती है, मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है सर। और रिन्यूएबल सेक्टर में तो सर ये कंपनी बहुत ऊपर काम कर रही है सर, बड़े बड़े कंपनियों को सर ये टक्कर देने की कोशिश कर रही है सर चारों तरफ से। और इस फील्ड में सर देखिएगा तो ज़्यादातर सर गवर्नमेंट, सरकार ज़्यादातर सर साथ दे रही है ऐसी कंपनियों का, क्यों? क्योंकि सर सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे जाना है सर, इस हिसाब से सर ऐसी कंपनियों को बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है फ्यूचर के लिए। और ये कंपनी ऐसी है अगर आप देखोगे तो सर ये इंडिया के कोने कोने में आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के कोने कोने में मतलब सर ऊपर से नीचे तक हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे सर, देख लो मतलब कोने कोने में है सर कंपनी। उसी तरीके से अगर आप देखोगे जो IREDA है सर, ये भी लगभग प्लान कर रही है 30,000 करोड़ रुपये रेज करने के लिए सर डेट इक्विटी से। अब अच्छी बात है पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है, अगर ये इतना पैसा रेज कर लेती है तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है एक्सपेक्टेड टू, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड इट्स लोन बुक बियॉन्ड 85,000 करोड़। तो सर इतना पैसा तो इनके पास होना भी तो चाहिए ना, अगर देखिए ये लोन देंगे नहीं तो सर इनको प्रॉफिट आएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं तो सर बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो इस वजह से सर ये लोग इतना बड़ा लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसके वजह से सर ये कंपनी को फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा ग्रो करने का सर। अब ये पैसा तरीके से ये रेज कर सकते हैं, इक्विटी हो, डेट हो, मतलब अब कंपनी के पास सर कम से कम तो 5 से 6 ऑप्शन होते हैं सर, सारे ऑप्शन ये आजमा सकती है सर,
इसके बाद जो है आज के डेट में भी कंपनी ने कुछ पैसे रेज किए हैं और ये उनका फ्यूचर प्लान है। कहने का मतलब है कि जो लोग सर आने वाले 5 सालों में 10 सालों में टिके रहेंगे सर, उनको ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा सर, उनको ही। लेट अगर हो जाओगे तो सर सब कुछ हाथ से चला जाएगा फिर।